सबको झूले। सबसे पहले तो मैं लद्दाख के सारे जो मीडिया फेटर्निटी को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिस में आए, तो हम जो ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन की तरफ से जो कुछ रिक्रूटमेंट के लेके जो लद्दाख के अंदर जो इश्यूज चल रहा है, तो उसके लेके थोड़ा हमने यहाँ पे हाईलाइट करने की हमने कोशिश करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आजकल जो हमें लास्ट आता जो फ्यू जो दिन से हमने ये देखने को मिला कि लद्दाख के अंदर जो रिक्रूटमेंट को लेके, जो नौकरी को लेके काफ़ी पब्लिक के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे फैले हैं, तो उसको मैं कुछ फैक्ट फिगर के साथ आपके सामने पब्लिक डोमेन के अंदर मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो लद्दाख के जो यूटी बनने के बाद आज तक जो लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट का स्टेटस जो है, जो एक तो गैजेटेड का होता है, एक तो नॉन गैजेटेड जो ऑफिसर पोस्ट पे, तो लद्दाख के अंदर आज तक तो गैजेटेड पोस्ट पे जो ऑफिसर पोस्ट पे तो आज तक एक रिक्रूटमेंट आज तक नहीं हुआ है। तो बट जो नॉन गैजेटेड पोस्ट पे जो सबॉर्डिनेट लेवल पे दो यूटी बनने के बाद आज रिक्रूटमेंट हुआ है। तो आज तक जो 2003 जो 2003 पोस्ट का आज तक यूटी लद्दाख के अंदर इस न्यू सेटअप के अंदर आज तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आज तक हुआ है, तो उसमें से जो 293 पोस्ट 293 पोस्ट लद्दाख पुलिस का हुआ है, उसमें से 218 पोस्ट पे तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट करके उस पर ज्वाइनिंग भी होके कल प्रोविशन जो दिल्ली के लिए ट्रेनिंग के लिए भी भेजा है। तो उन उसमें और जो पोस्ट जो रहता है उस वो लद्दाख पुलिस के जो ड्राइवर का हो, रेस्क्यू का हो, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट किस इस जे ऐसे ऐसे पोस्ट का उन्होंने एडवर्टीजमेंट आज तक किया है। तो और जो 2003 जो पोस्ट में से 293 लद्दाख पुलिस का और 1710 पोस्ट 1710 पोस्ट का जो सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर हुआ है, उसमें से 797 पोस्ट जो डिविजनल कैडर जो एसएससी को रेफर किया था रिसेंटली, बट अनफॉर्चुनेट ये देखने को मिला कि इस एग्जाम्स को जो कोर्ट में चला गया, तो अभी सब जुडिस हुआ है, अब तक जो फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो और 913 पोस्ट पे तो डिस्ट्रिक्ट कैडर का भी आज तक नोटिफिकेशन हुआ है दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करगिल के अंदर 451 दो फेज के अंदर हुआ है, लेह के अंदर तीन फेज के अंदर 462 का लेह के अंदर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट में हुआ है, बट उनपे अभी तक जो एग्जाम्स होना बाकी है। एडवर्टीजमेंट टोटल इतना 2003 पोस्ट पे आज तक यूटी लद्दाख के अंदर इस सेटअप के अंदर सबॉर्डिनेट लेवल पे आज तक ये नोटिफिकेशन आया है। कुछ पे तो रिजॉइनिंग भी हुआ, कुछ पे एग्जाम भी हुआ, अभी कुछ पे एग्जाम्स होना बाकी है। तो ये आज यूटी लद्दाख के अंदर आज तक का ये रिक्रूटमेंट स्टेटस का ये है। बहुत सी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे फॉल्स नैरेटिव अच्छा पब्लिक डोमेन में ऐसा हमें देखने को मिला, उसको मैं समझा, फिर उसको थोड़ा फैक्ट फिगर के साथ क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समझा। तो आज का जो मेन हमारा जो बुलाने का है, हमारा कुछ ये रिजर्वेशन को लेके हमारा कुछ रिजर्वेशन है हमारे लद्दाख के जो अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से, तो मैं आपको ये एक एक करके मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है लद्दाख के अंदर अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल तो है काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे बड़ा है, बट ये भी है लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यहाँ पे लद्दाख में देखने को मिला, ये ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हमें देखने को मिला है। जो आज तक जो यूटी लद्दाख के अंदर मैंने अभी बोला 2000 कुछ समथिंग पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट हुआ है, उसमें से जो सिर्फ ज़्यादातर 20% को जो बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट कैडर दोनों डिस्ट्रिक्ट ने आज तक 900 प्लस का जो एडवर्टीजमेंट किया है, उसमें ज़्यादातर जो प्लस टू का है, मेट्रिकुलेशन का है, उसमें ग्रेजुएट वाले वहाँ पे फॉर्म भी नहीं भर सकता है, तो ऑलरेडी जो 80% जो एस्पिरेंट्स उसमें से निकल दिया है, तो ये बड़ा इनजस्टिस है ग्रेजुएट के एस्पिरेंट्स के साथ। साथ साथ में ये भी है जो उन्होंने एक सिलेबस के अंदर भी जो एक पैराडाइम शिफ्टिंग 360 डिग्री चेंजेस का उन्होंने एक ऐसा कुछ सिलेबस लाया है, तो उसमें ज़्यादातर ये टेक्निकल जो बैकग्राउंड से होते हैं, ज़्यादातर जो 20% का ये सिलेबस फेवर करता है, जो 80% उसमें से उसको निकल दिया गया है। तो ये हमारा एक मेजर एक रिजर्वेशन है हमारे काउंसिल्स, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे दोनों काउंसिल से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चेंजेस करके थोड़ा इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा हमारा एक ये आज का एक मेन मुद्दा, जो रिसेंटली हमें ये DSSRB का जो मीटिंग हमारे काउंसिल के अंदर हुआ ऑनरेबल चेयरमैन की लीडरशिप में, तो उसमें ये बोला गया है कि फोर फेज के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा पोस्ट निकलने जा रहा है, इसमें 150 या 200 प्लस कुछ का वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा गया है, बट उसमें ये हमें देखने को मिला कि उसमें जो टीचर बनने का लद्दाख के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है, एक तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
इन एडिशन टू दैट उसमें बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद उसमें सीटेट एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों क्वालिफिकेशन होना बहुत बहुत जरूरत इसमें मैंडेटरी किया गया है। तो हम ये डिमांड करते हैं भाई लद्दाख, ये देखिए रिसेंटली हमें यूटी बना, हमने राइट शुरुआत से हमने स्क्रेच से शुरू किया, तो एक कुछ ट्रांजिशनल ये हो है लद्दाख का, तो इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होने का बहुत जरूरत है। इसीलिए आपकी माध्यम से मैं ये डिमांड करना चाहूंगा हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारा जो ये सीटेट और बीएड के अंदर थोड़ा लद्दाख को वन टाइम जो रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे लद्दाख में, ज्यादा बीएड भी नहीं है लद्दाख के या बच्चे एस्पिरेंट्स यहाँ पे सीटेट भी क्वालिफाई अभी तक नहीं किया, क्योंकि एक रीजन भी है इसमें लद्दाख में। देखिए आप लोग 2022 के अंदर ये बीएड का जो इंट्रोडक्शन लद्दाख यूनिवर्सिटी ने किया है, साथ साथ में पहले जो हम आसवेल जानकी के साथ था, हम टीचर बनने के लिए एक सिंपली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन था, उसमें कोई बीएड और सीटेट का कोई प्रोविजन नहीं था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे लद्दाख में जितने जो टीचर का जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है उसके अंदर ये दो ज्यादातर बच्चों के पास नहीं है, सीटेट तो बिल्कुल ही 30-40 के पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पे लद्दाख में। तो इसीलिए मैं कहूँगा ये एक ट्रांजिशनल कुछ कंपैशनेट इस ग्राउंड पे लद्दाख के जो टीचर के टीचिंग का एक्सपीरियंस हो उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए, ये हमारा डिमांड है। लोगों का जो लद्दाख के जो टीचर का एक्सपीरियंस उसको मालूम ही नहीं था ये बीएड और सीटेट का इसमें मैंडेटरी किया गया, क्योंकि जो यूटी लद्दाख ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबोर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल आया है सितंबर 2021 में आया था, तो अभी एक डेढ़ साल भी नहीं हुआ है। मुझे मुश्किल लगता है एक बच्चों को डेढ़ साल के अंदर एक बीएड को कंप्लीट करना, उसको बीएड को कंप्लीट करके सीटेट को क्वालिफाई करना, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहूँगा ये मास रिक्रूटमेंट जो टीचिंग ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर होने जा रहा है, तो उसमें एक वन टाइम रिलैक्सेशन ये बीएड का और सीटेट का रिलैक्सेशन दिया जाए। मैं आपके माध्यम से, मैं दोनों काउंसिल से, स्पेशली मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाइसर, मैं सेक्रेटरी एजुकेशन को, मैं आपके माध्यम से ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज इसमें लद्दाख के जो स्टूडेंट को, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट, उसको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए इस ग्राउंड पे जो मैंने अभी बोला। नंबर टू हमारा ये इशू है कि एक देखिए जो DSSRB हमारा जो कम्प्लीटली हमारे काउंसिल के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस में आता है, तो उन्होंने भी जो सिलेबस के अंदर एक 360 डिग्री उन्होंने चेंजेस लाया है। तो क्योंकि ये लाने से क्या होता है, हमारे बहुत से बच्चों के साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, उसमें ज़्यादातर ये सिलेबस जो टेक्निकल 20% ग्रेजुएट्स को ये फेवर करता है, स्पेशली जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह इस बैकग्राउंड से, उनको बड़ा बेनिफिट होता है। मगर जो बच्चे ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स, जो बच्चे पुअर जो बैकग्राउंड से थे, गाँव के जो स्कूल्स में पढ़े हुए थे, उसमें साइंस का इंट्रोडक्शन रिसेंटली बहुत से गवर्नमेंट स्कूल हायर सेकेंडरी में रिसेंटली इंट्रोडक्शन किया था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था जो गाँव के स्कूल थे, तो उनको बड़ा इनजस्टिस हो रहा है इस जो सिलेबस के अंदर। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा इस सिलेबस के अंदर एक माइनर मॉडिफिकेशंस लाने की बहुत बहुत ये ज़रूरत है। हमने पहले भी 3-4 बार काउंसिल को हमारे रिप्रेजेंटेशन दिया था, कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को भी, कंसर्न ईसी को भी, सी से लिखा भी, हमने बोला भी है, बट आज तक उन्होंने इस पे बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया है। तो इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी बच्चे हैं लद्दाख के अंदर एस्पिरेंट, करीब करीब ये 40-40 साल होने को है, अभी भी अनएम्प्लॉयड है, उनको एक इस तरह जो 360 डिग्री चेंजेस था, इसको अलग से सिलेबस को एकदम अडेप्ट करके, उसको प्रिपरेशन करके एग्जाम को बैठना, ये उनके लिए बड़ा टास्क, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डिफिकल्ट टास्क उनके लिए। तो मैं कहूंगा, ये चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे काउंसिल, हमारे सीसी सब सुने। हमें ये देखने को मिला हमारे जो करगिल का जो काउंटर पर, हमारे यूथ एसोसिएशन करगिल में है, उन्होंने भी उनको वहां पर जो करगिल का काउंसिल सीसी साहब को भी अप्रोच किया, उन्होंने ये बोला गया कि ये सिलेबस एक ज्वाइंट कमीशन बनाया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन में, तो सिलेबस उन्होंने तय किया है दोनों के जो सिमिलर सिलेबस, तो सिलेबस भी काउंसिल को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देने जा रहा है। तो ये मुझे बड़ा एक आयरनी लगा कि लद्दाख का हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल हम बोला जाता है, ये किस हद तक ये ऑटोनोमस है, मुझे नहीं लगता है। काउंसिल का जो पावर काफ़ी इरोड हो चुका है अगर हम ये देखने को अभी ये मिला, क्योंकि सिलेबस भी जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता है, तो मुझे नहीं लगा चूँ काउंसिल एक इंडिपेंडेंटली अभी फंक्शन कर रहा है। तो ये हमें डिमांड है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लद्दाख का जो ऑटोनोमस LSDC ऐसे ही बना है कि लद्दाख की जो रहन सहन के, लद्दाख की इंटरेस्ट एस्पिरेशन यूथ की, इसी के अकॉर्डिंग गवर्न करने के लिए ये एक फॉर्मेशन किया है। तो इन्होंने
इस तरह जो यूटी गवर्नमेंट से डिक्टेट करना, इस तरह पावर को एरोड कर देना, ये अच्छा नहीं है। तो मैं काउंसिल की चेयरमैन, दोनों चेयरमैन से मैं कहूंगा अब दोनों मिलके इस सिलेबस के अंदर चेंजेस करना बहुत जरूरत है। ये प्रो इलिट है, ये एंटी, ये हमारा पुअर एस्पिरेंट्स के हित में नहीं है। तो मैं आपकी माध्यम से चाहूंगा प्लीज इसमें मॉडिफिकेशन लाइए। अभी देखिए कंप्यूटर एक बहुत एसेंशियल पार्ट बन चुका है सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पूरा डिजिटल हुआ है। हमारे जो डीएसएसआर भी सिलेबस के अंदर कंप्यूटर का भी उन्होंने कुछ नहीं रखा है। हमारे जो कल्चर है, हमारे लद्दाख के हिस्ट्री है, हमारे आर्डन कल्चर है, हमारा टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसमें भी सिलेबस के अंदर कुछ इस तरह की जो मेंशन नहीं है। ये सबको भी इन सिलेबस के अंदर होना बहुत जरूरी है। इवन हम जाएंगे के साथ था हमारे डीएसएसआर भी एसएसबी सिलेबस के अंदर लद्दाख का भी ज्योग्राफी होते थे, लद्दाख का भी हिस्ट्री पॉलिटी होते थे, मगर जो लिट्री बनने के बाद सारा हटा दिया, तो ये काफी हमारे लद्दाख की इंटरेस्ट हित के लिए भी ये अच्छा नहीं है। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। आपके माध्यम से मैं दोनों काउंसिल की चेयरमैन से मैं स्ट्रांगली अपील करना चाहूंगा, सर प्लीज इसमें माइनर मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। नंबर थर्ड इशू हमारा ये है, अभी देखिए लद्दाख के अंदर अभी तक जितना भी जो रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ सिर्फ यहाँ पे सबऑर्डिनेट लेवल पोस्ट पे हुआ है। अभी तक ऑफिसर पोस्ट पे, गेजेटेड लेवल पोस्ट पे आज तक रिक्रूटमेंट एक पोस्ट पे आज तक नहीं हुआ। इवन की एक डिपार्टमेंट का आज तक एक रिक्रूटमेंट रूल आरआर आज तक नहीं आया है। हमें देखने को मिला कि रिसेंटली 31 अक्टूबर को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला एक साल के अंदर हम ये गैजेटेड रिक्रूटमेंट का हम सिलसिला शुरू करेंगे, बट अभी तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट होने से पहले तो हर डिपार्टमेंट का अपना गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल होना होता है, तो एक डिपार्टमेंट का भी आज तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं हुआ। रिसेंटली नवंबर में, इसी 2022 नवंबर में अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पावर भी डेलीगेशन किया है, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूटी लद्दाख को इम्पावर किया है टू फ्रेम द रूल फॉर रिक्रूटमेंट रूल एक गेजेटेड के लिए, बट तब भी अभी तक एक रिक्रूटमेंट रूल नहीं आया। 3-4 महीना हुआ है, तो इसमें बड़ा धीमे चल रहा है, इसमें बड़ा एक एक्सपीडाइट एक वार फुटिंग पे रिक्रूटमेंट रूल को हर डिपार्टमेंट फ्रेम करने की बहुत बहुत जरूरत है। तो साहब मैं आपकी माध्यम से मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी प्रशासन, जीएडी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमपी साहब, काउंसिल, हमारे सबको मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहूंगा भाई, क्या लद्दाख के जो यूथ है, लद्दाख के जो जॉब एस्पिरेंट, जो गेजेटेड के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं, क्या वो डिजर्व नहीं है इस जो मुकाम पे आके ये सब करना? तो मैं यही कहूंगा 4 साल हुआ लद्दाख के अंदर एक पोस्ट पे आज तक गेजेटेड रिक्रूटमेंट नहीं होना, ये गेजेटेड जो एस्पिरेंट्स के साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है, लद्दाख के साथ बड़ा एस्पिरेंट्स इनजस्टिस हुआ है। तो मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहूंगा प्लीज इसको वार फुटिंग पे इसको बड़ा एक्सपीडाइट करने की बहुत जरूरत है। एक साल के अंदर जो गवर्नर साहब ने हमें वचन दिया उसी के अकॉर्डिंग एक साल के अंदर लद्दाख के अंदर जो गेजेटेड रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सिलसिला शुरू होना चाहिए। ये हमारे तीसरा मुद्दा है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। एक चौथा एक छोटा सा माइनर मुद्दा है, जैसे हमें रिसेंटली सितंबर 2022 के अंदर एक ई गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये डिपार्टमेंट जो फूड एंड सप्लाई, सिविल सर्विस, कंज्यूमर अफेयर्स, जो डिपार्टमेंट्स के अंदर एक पोस्ट होता है शॉपकीपर, स्टोर कीपर का एक पोस्ट होता है, उसको बिल्कुल ही जो रिक्रूटमेंट उसमें पहले जो आए थे 2021 के अंदर इस डिपार्टमेंट का, उसमें स्टोर कीपर का जो रिक्रूटमेंट जो उसमें जो स्टेटस रखा था 50% प्रमोशन होगा, 50% उसमें एक रिक्रूटमेंट होगा, प्रमोशन होगा, एक रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट, ये 50-50 रेशो रखा था। बट रिसेंटली उन्होंने ई गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके उन्होंने स्टोर कीपर का जो 50% का रिक्रूटमेंट जो एलिजिबिलिटी था उसमें जो वो रखा था उसको कंप्लीटली खत्म करके पूरा 100% प्रमोशन का उन्होंने एक उसमें प्रोविजन रखा है। तो मैं ये कहूंगा भाई अगर इस तरह आप लोग सारा प्रमोशन कर देंगे तो एक रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होगा इस तरह? ये तो काफी हमारे अनएम्प्लॉयड के साथ काफी इनजस्टिस हमें देखने को मिला। अभी देखिए अभी लद्दाख के अंदर कोई स्टोर कीपर का रिक्रूटमेंट आज तक नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा इन फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने पूरा ये रिक्रूटमेंट रूल के अंदर एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके उन्होंने चेंज कर दिया, अभी पूरा 100% प्रमोशन कर दिया, तो अभी स्टोर कीपर के अंदर रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। ये बिल्कुल ही एंटी यूथ पॉलिसी उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपना है, मैं कंडेम करता हूँ इसको, थोड़ा रिवर्स करने की, इसको रिवोक करने की बहुत बहुत जरूरत है। साथ साथ में ये भी उसमें ये रखा था, उसमें ग्रेजुएट एक लेवल 4 का सबऑर्डिनेट, एक तो उसमें ये रखा था, उसमें एक तो ग्रेजुएट प्लस उसमें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कुछ का इस प्रोविजन एक डिप्लोमा भी रखा था। भाई देखिए आप लोग एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई लद्दाख के अंदर ऐसे कोर्स डिप्लोमा कोई दे रहा है? इश्यू नहीं कर रहा ना। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा भाई अगर लद्दाख के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है तो आप लाइक इस डिप्लोमा
एक्यूज किस लिए रखा है। ठीक है, अब ऐसे लोग भी है जो बाहर जाके इस तरह डिप्लोमा अफोर्ड कर सकता है, वो कर सकता है, बट ये एंटी जो पुअर का जो ये स्टेप्स एंटी अनएम्प्लॉयड यूथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह जैसे नोटिफिकेशन इशू करके इस तरह करना, ये बड़ा अच्छा नहीं है। ये एंटी यूथ एक बिल्कुल ही मैं पॉलिसी मानता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं यूटीएच प्रशासन से मैं कहूँगा इस तरह की जो आप लोग स्टेप्स ना ले, अच्छा सा एक पॉलिसी बना के लद्दाख के यूथ के हित में अच्छा सा ये पॉलिसी लेके आए, लद्दाख के यूथ का जो सेंटिमेंट एस्पिरेशंस को आप लोग रेस्पेक्ट करें, तो इस तरह की जो पॉलिसी मत बनाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्लीज रिक्रूटमेंट का सिलसिला स्पीडअप करें। लद्दाख के अंदर दो मेजर इश्यू है, रिक्रूटमेंट और सेफगार्ड। जो रिक्रूटमेंट आपको कर सकता है, टाइमली कर सकता है, हमें जस्टिस दे। 4 साल हमने वेट किया, बड़ा इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है, अभी भी इस तरह धीमे करना हमारे साथ अच्छा नहीं है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा प्लीज इन पे जो बातों पे आप लोग कंसिडर करके स्पीडअप करके ये सुन के थोड़ा इस पे थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।